एक्चुअली आज का जमाना जो है वो दिखावटी जमाना हो चुका है। कितने बार क्या होता है कि हमारा इनकम कम होता है लेकिन हम लोग सिर्फ दिखावटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। कितने बार ये भी होता है कि हमारी मजबूरी होती है ज़्यादा खर्च करने का, जैसे कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाए या लड़की की शादी हो या कोई बच्चे की पढ़ाई हो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ पे कुछ ज़्यादा खर्च हो जाता है हमारे इनकम से ज़्यादा। वहाँ पे दिक्कत ये आ जाता है कि हम लोग तरह तरह के लोन्स ले लेते हैं, उसमें कुछ पर्सनल लोन ले लेते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं या कहीं से और किसी से हाई रेट पे उधार ले लेते हैं। और जब ये सारा उधार हमारे ऊपर चढ़ जाता है और जब हम लोग इसको पे करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि यार यार इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी से छुटकारा पाने के लिए हमारा जो पहला कदम होता है वो होता है डेब्ट कंसोलिडेशन। डेब्ट कंसोलिडेशन क्या है? आप जो डिफरेंट तरह के लोन्स लिए रहते हैं, बहुत सारे लोन्स लिए रहते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है और आप अलग अलग उसको पे कर रहे होते हैं, परेशान हुए रहते हैं, तो इसको कंसोलिडेट करके यानी एक बड़ा सा लोन लेके ये सारे छोटे छोटे लोन को पे कर दिया जाता है और सिर्फ उस बड़े लोन पे फोकस किया जाता है पे करने के लिए। यानी जितने आपके छोटे छोटे लोन्स हैं वो सबको एक बड़ा लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आप सिर्फ वो बड़ा लोन पे ही फोकस करते हैं पे करने के लिए, तो इसे बोलते हैं डेब्ट कंसोलिडेशन। एक्चुअली ये डेब्ट कंसोलिडेशन का हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है? एक्चुअली हम लोग हायर रेट पे क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं और उसको मिनिमम पे करते हैं जिसके चलते हमें 40-40% इंटरेस्ट सालाना पे करना पड़ता है। बहुत हायर होता है, हमारा बहुत ज़्यादा इनकम उसी में चला जाता है। इसके अलावा हम लोग महंगे एजुकेशन लोन ले लेते हैं, हम लोग कोई महंगा पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो ये सारे लोन्स को पे ऑफ करने के लिए या बहुत सारे लोन्स को सिंगल लोन में कन्वर्ट करने के लिए डेब्ट कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए लोन कौन कौन से हो सकते हैं? डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए जो लोन हो सकते हैं वो पर्सनल लोन हो सकते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो हो सकता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं और इस तरह के कोई लोन्स लेके आप अपने छोटे छोटे लोन्स जो बहुत सारे हैं उसको पे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए जो आप बड़ा लोन लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर उस समय कैसा है, उसका भी इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। लेकिन मेरा मानना है कि डेब्ट कंसोलिडेशन का प्लानिंग करने से पहले आपको एक लॉन्ग विजन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप ये सोचें कि आप ये डेब्ट ट्रैप में फंसे कैसे, आपको इतने सारे छोटे छोटे लोन लेने के ऊपर है और क्या हम करेंगे कि इन फ्यूचर हमको वैसा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मानिए आप डेब्ट कंसोलिडेशन करके आप सारे लोन पे ऑफ कर दिए और जो बड़ा लोन है उसको भी धीरे धीरे चुका रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आदत वही रहेगी जिसके चलते आप उस कर्ज में फंसे हैं तो फिर आगे कर्ज में फंसिएगा, तो ये डेब्ट कंसोलिडेशन फिर आपके लिए नहीं है। जो डेब्ट कंसोलिडेट के साथ साथ अपना आदत में भी सुधार लाए और एक फ्यूचर प्लान अपने पास रखे जिसके चलते पूरा कॉन्फिडेंट रहे कि हम आगे चल के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। बेनिफिट ऑफ लोन कंसोलिडेशन, आप पे जो लोन है उसको आप जल्दी पे कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर लो इंटरेस्ट रेट का पैसा एक लेके सारे हाई रेट्स वाले लोन को पे कर देंगे तो आप इंटरेस्ट के बदला प्रिंसिपल फटाफट पे करने लगेंगे और आपका जो लोन है वो बहुत जल्द रीपे हो जाएगा। आपका जो फाइनेंशियली लाइफ है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि आप कंसोलिडेट करके सिर्फ एक लोन पे फोकस करेंगे पे करने के लिए और कंसोलिडेशन के पहले आपके पास बहुत सारे लोन होंगे तो आप बहुत सारे लोन पे ध्यान देंगे। इसके साथ ही आपके जो हायर इंटरेस्ट रेट के लोन थे वो लोअर इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी बूस्ट कर पाएंगे क्योंकि छोटे छोटे लोन है उसमें मानिए एक दो डिफॉल्ट हो जाता है तो भी आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं और आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन आप कंसोलिडेट करके एक लोन रखेंगे तो उसको आप ध्यान से पे करेंगे और डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी अप होगा। डेब्ट कंसोलिडेशन के नुकसान क्या है? डेब्ट कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पे जो उधारी था वो चला गया, वो जस्ट कन्वर्ट हुआ है बहुत सारा उधारी एक उधारी में। लोग दिमाग में ये कंसोलिडेशन के बाद सोचने लगते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे लोन थे अब तो एक ही बचा है, चलो एक और ले लेते हैं कोई काम करने के लिए, तो ये एक साइकोलॉजिकल माइनस पॉइंट है। कभी कभी आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता है कंसोलिडेट करने के लिए क्योंकि आपका ऑलरेडी आप पे बहुत सारा लोन होता है और आपका सिविल स्कोर भी लड़खड़ाया रहता है तो आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ सकता है कंसोलिडेट लोन लेने के लिए हायर इंटरेस्ट पे। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है छोटे छोटे बहुत सारे लोन लेने के चलते तो आपको जो कंसोलिडेशन के लिए भी जो आप बड़ा लोन लीजिएगा उस पे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है क्योंकि आपका सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब है। बात करें बैंक के बारे में जो आपको डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए लोन दे सकता है तो वो लगभग सारे गवर्नमेंट्स बैंक है और प्राइवेट्स बैंक भी है जो आपको डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए लोन दे सकता है। तो अगर आप डेब्ट ट्रैप में फंसे और लोन कंसोलिडेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप किस बैंक को प्रेफर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।